डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रैक्टिकल का, वो है CS 210 PC का मेंटेनेंस एंड कंप्यूटर में इंस्टॉलेशन ऑफ प्रिंटर एंड स्कैनर। अब हम इसके अपने टॉपिक के तीन प्रैक्टिकल कवर करेंगे कि पहला तो प्रिंटर को इंस्टॉल करना, इंस्टॉल प्रिंटर, इसको एक तो लोकल प्रिंटर के रूप में, एक नेटवर्क इसके रूप में करेंगे, दूसरा अपना हुआ इंस्टॉल स्कैनर। ठीक है, तो यहाँ पे हम इंस्टॉल प्रिंटर यानी प्रिंटर को अगर आपको कोई MS वर्ड में या एक्सेल में या किसी भी आपके इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर है उसको यूज़ करने के लिए आप अगर कोई डॉक्यूमेंट तैयार करके उसका प्रिंट आउट निकालें तो आपको प्रिंटर पे प्रिंट करने की आवश्यकता पड़ती है। और प्रिंटर पे प्रिंट करने के लिए प्रिंटर को इंस्टॉल करना ज़रूरी है। और प्रिंटर को इंस्टॉल करेंगे तो हम कैसे करेंगे, तो इसके कई हैं। तो प्रिंटर को इंस्टॉल करने के लिए दूसरा लोकल प्रिंटर मीन्स एक सिस्टम या लैपटॉप आपके पास है, उस पर कंप्यूटर इंस्टॉल कर दिया, उस लैपटॉप या उस कंप्यूटर सिस्टम या उस PC से ही वो प्रिंट ले और दूसरे प्रिंटर से वो प्रिंट नहीं ले, तो उसको वो लोकल हो गया तो उसको लोकल प्रिंटर कहेंगे। और अगर आपके पास लैब है या आपके लेन सिस्टम है पूरे इंस्टीट्यूशन में, कॉलेज में, तो वो लेन सिस्टम से अगर कंप्यूटर सभी जुड़े हुए हैं और अलग अलग जगह पे कंप्यूटर पड़े हैं, वो नेटवर्क से जुड़े हुए कंप्यूटरों के प्रिंटर इंस्टॉल करते हैं, उसको एज ए नेटवर्क प्रिंटर कर दें तो हम कहीं से भी प्रिंट वगैरह दे के प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो उस प्रिंटर को हम दो तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं, लोकल एंड नेटवर्क। और उसके बाद में स्कैनर आता है, तो स्कैनर के लिए भी वही है कि किसी सिस्टम पे स्कैन कर दे कोई डॉक्यूमेंट के भी, जैसे इमेज है उसकी आपको स्कैन करके फिर कहीं लगानी है, या कोई डॉक्यूमेंट है आपने बनाया और उसको स्कैन करना है वो लगाना है, या आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंट तैयार करके और उसको स्कैन करके भेजना है PDF में, तो वो जिससे कि कोई मतलब PDF में स्कैन किया आपने इमेज में PDF, तो उसको चेंज नहीं करेंगे, MS वर्ड का भेजेंगे तो उसमें चेंज हो सकता है, तो कहीं सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए भी स्कैनर काम में लिया जाता है। फिर फोटोकॉपियर के रूप में भी आजकल इसको यूज में ले लेते हैं कि स्कैन करके फ़ोटो इमरजेंसी में, अदरवाइज फोटोकॉपियर जितना इसकी क्वालिटी नहीं है फिर भी ये मतलब इसको स्कैन करके प्रिंटर लेंगे तो स्कैनर और प्रिंटर फिर दोनों एक साथ काम आते हैं। तो हम देखेंगे कि लोकल प्रिंटर या स्कैनर को या किसी भी हार्डवेयर को इंस्टॉल करने के लिए हम सीधा सा है कि स्टार्ट बटन पर क्लिक करके और डिवाइस एंड प्रिंटर्स या कंट्रोल पैनल के थ्रू, यानी स्टार्ट और फिर कंट्रोल पैनल, या स्टार्ट में ही आपका आ जाएगा डिवाइस और प्रिंटर्स एंड प्रिंटर्स, डिवाइस एंड प्रिंटर्स भी जाएगा। तो आपके अब यहाँ ध्यान रखिए कि इसके दो तरीके हैं, कि आपने हार्डवेयर लगा रखा है तो जैसे ही आप प्लग इन करते हैं, प्लग इन का मतलब जैसे आप हार्डवेयर की USB केबल को और USB पोर्ट में लगाते हैं सिस्टम में, तो USB पोर्ट मान लीजिए कि आपका सिस्टम है, इसमें USB पोर्ट और प्रिंटर आपने लगा दिया, जैसे आपको लगाता है तो ये इसको रिकॉग्नाइज़ करेगा, रिकॉग्नाइज़ करके ये पूछ लेगा कि इसका इंस्टॉल ड्राइवर कौन सा है, तो आप अगर वो विंडो खुल जाएगा और विंडो में आपने अगर लोकेशन CD की दे दी तो वहाँ से वो ड्राइवर को इंस्टॉल करके अपना ऑटोमेटिकली उसको इंस्टॉल करके कम्प्लीटली इंस्टॉल कर देगा। आप चाहते हो कि मैं खुद करूँ तो ये लगा के आप और इस CD में आप इसको CD ड्राइव में लगा के उस पर सेटअप रन या सेटअप चला दें, सेटअप चलाने के बाद वो इंस्टॉल हो जाएगा और इसमें हार्ड जो विंडो खुलेगी आपको प्रिंटर वाली, उस प्रिंटर में आपको वो आइकन और भी जो है तो उसका आइकन आपको दिखाई देगा, और दिखाई देगा तो अब वो जब आप ओके वगैरह करेंगे इंस्टॉल करते जाएंगे तो पूछेगा कि लोकल प्रिंटर या नेटवर्क प्रिंटर, इसके रूप में पूछेगा, शेयर्ड प्रिंटर ऐसा पूछ लेगा, तो आप जो सिलेक्ट करोगे वैसा सिलेक्ट हो जाएगा और ये इंस्टॉल होकर लास्ट में इसका आइकन आ जाएगा। इस आइकन में ये ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसा भी आप करोगे या बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंटर जैसा करोगे आप प्रैक्टिकल लैब में, जो बाय डिफ़ॉल्ट है तो जब भी आप प्रिंट दोगे तो सीधा इस पर आएगा, एक से अधिक प्रिंटर इंस्टॉल हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंटर इसको किया तो यह आ जाएगा, इस पर किया तो यह आ जाएगा, अदरवाइज इस पर प्रिंट लेना आपको तो आप इस पर प्रिंट के अंदर आप ड्रॉप डाउन बॉक्स में सिलेक्ट करके इसको कर सकते हैं। इसी प्रकार जब स्कैनर आप लगाते हो तो प्लग इन होते ही वो उसका सॉफ्टवेयर पूछता है,
और अगर ऐसी नहीं पूछता, मान लीजिए कोई समस्या आ गई, तो आप सीडी को डाल के उसका सेटअप चला दीजिए, जो जो स्टेप्स मांगता है नेक्स्ट ओके वो करते जाइए और इंस्टॉल आपका ये हो जाएगा। तो इसको लेब में प्रैक्टिकली जब कॉलेज में हम पहुंचेंगे तो आपको उसको उसके हिसाब से करवा दिया जाएगा। बाकी आप अपने, आपके पास अगर लैपटॉप प्रिंटर है तो आप इसकी और प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई समस्या है तो आप टेलीफोनिकली पूछ सकते हैं। धन्यवाद।